हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता। आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास विषय के संबंध में महत्वपूर्ण कुछ जानकारी देने वाली हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को बताना है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास से संबंधित क्वेश्चन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले भी लगभग इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन होते थे 20 से 25 होते थे, और वर्तमान दौर में भी आप देखेंगे कि हिस्ट्री अपनी महत्ता को बरकरार रखे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि इतिहास के किस पोर्शन की तैयारी आप बेहतर तरीके से करें कि आप अधिकतम अंक इतिहास में प्राप्त कर सकें, और इतिहास से जो क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसे आप सही कर सकें। तो साथियों, फिर मैं बताती हूँ कि आप इतिहास के तीनों पार्ट को बहुत ही महत्व देंगे। तीनों पार्ट का क्या तात्पर्य है? तीनों पार्ट का तात्पर्य है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आप सभी जब क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पेपर से, कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप स्वयं ही अवगत हो जाएंगे कि आधुनिक भारत से जो पूछे वाले प्रश्नों की संख्या है उसकी संख्या अधिकतम है। बावजूद यदि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन को यदि मिला लेते हैं तो वो लगभग वो भी 40% अपनी महत्ता स्थापित कर रहा है। तो साथियों, किस प्रकार से पैटर्न में लगातार बदलाव आ रहा है इसके संबंध में अब मैं आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। आप देखेंगे कि पहले इतिहास के जो क्वेश्चन होते थे उसमें वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य आदि से रिलेटेड क्वेश्चन की अपेक्षा जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए करते थे उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन वर्तमान दौर में आप देखेंगे कि वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्राचीन भारत का और मध्यकालीन भारत का, उसमें उसकी संख्या बढ़ चुकी है, अर्थात उससे संबंधित क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में पूछे जाने लगे हैं। तो आप अवश्य इन सारे टॉपिक पर विशेष ध्यान देंगे, अर्थात जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन पैटर्न पिछले दौर का था, जैसे कि जो साम्राज्यों के इतिहास के घटनाक्रम, उनको तो आप अध्ययन करेंगे ही करेंगे, लेकिन विशेष रूप से साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला का विशेष रूप से आप अध्ययन करेंगे। और आप सभी को यह भी बताना है कि आधुनिक भारत से संबंधित जो क्वेश्चन है उसकी निश्चित रूप से जो पूछे जाने का पैटर्न है उसमें हल्का फुल्का बदलाव आया है। किस प्रकार का बदलाव आया है? बदलाव इस संदर्भ में आया है कि अब क्वेश्चन 1942 के बाद के जो क्वेश्चन हैं उसकी संख्या भी लगातार बढ़ चुकी है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, और किस चीज़ से आप आधुनिक भारत की तैयारी करें और मध्यकालीन भारत की तैयारी करें और प्राचीन भारत की तैयारी करें आदि संबंधी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके संबंध में नेक्स्ट क्लासेज में आप सभी को मेरे द्वारा बताया जाएगा, और इतिहास का प्रत्येक टॉपिक की कैसे आप तैयारी करें इसके संबंध में मेरे द्वारा क्रमशः आप सभी के बीच क्लासेज लाए जाएंगे। साथियों, आशा है, विश्वास है कि आप सभी को मेरे द्वारा जो पिछली क्लासेज में पुस्तक बताई गई है उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिए पढ़ने से पहले अवश्य उस पुस्तक को जांच करें कि क्या वाकई उससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा रहे हैं, क्या विगत वर्ष के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे इतर कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है साथियों कि जो मेरे द्वारा अध्ययन सामग्री बताया गया है पिछले साल अर्थात 2021 समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के पहले आप मिलान करिए, ताकि आप स्वतः स्पष्ट हो जाए आपको कि हाँ ये मतलब किताब कितना सही है और कितना सही नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी दोस्ती किताबों से नहीं होगी, ऑथेंटिक पुस्तकों से नहीं होगी, तब तक साथियों कहीं ना कहीं शॉर्टकट का रास्ता आप अपनाएंगे, और शॉर्टकट का परिणाम होता है कि आप कहीं ना कहीं कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो साथियों, मैं बार बार आप सभी को कहूँगी कंपटीशन के दौर में आप सभी बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे और तैयारी अपनी भरपूर करेंगे। निश्चित है साथियों, कितना भी कंपटीशन हो, यदि आप कर्मठ हैं, परिश्रम करते हैं, सही दिशा में तैयारी करते हैं, तो अवश्य ही आप सफलता प्राप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।